हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं एक प्रोडक्ट है लेंसकार्ट से मैंने परचेज करा है, उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक स्पेक्स ऑनलाइन लेंसकार्ट से परचेज करी है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो पैकेज है ये लेंसकार्ट से आया है। तो मैंने 1 दिसंबर को बुकिंग करी थी और आज 3 दिन बाद मुझे ये डिलीवर हो गया है। तो उसके बारे में आपको खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए इसको काटते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है इसमें। तो कैंची को थोड़ा चल नहीं रही थी तो मैंने इसको फाड़ दिया। तो गाइस, ये है स्पेक्स का डिब्बा और इसके साथ ये लेंस कार्ट की जो डिलीवरी जो एक एजेंसी है वहाँ से मुझे ये प्राप्त हुआ है। 1/12/2020 को मैंने ऑर्डर करा था, तो शायद उसकी डेट है ये। तो मेरे ख्याल से ये बिल होगा, ये हाँ बिल है, ये टैक्स इनवॉइस। तो इसको साइड में करते हैं और जो मेन है इसमें स्पेक्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो लेंस कार्ट से मैंने ब्लू एयर गोल्ड, ब्लू मतलब जो कंप्यूटर ग्लासेस होते हैं तो उसके लेंसेज मैंने परचेज करे हैं। तो चलो आइए खोलते हैं इसको। पैकिंग डब्बा ठीक है, सख्त है, तो अच्छी पैकिंग है बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है, इतना ईजिली नहीं खुल रहा है ये। तो देखिए, ये है लेंस कार्ट का बॉक्स जिसमें स्पेक्स है मेरी। तो डब्बा भी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया है। तो इसको खोलते हैं और ये इसका स्पेक्स को साफ़ करने के लिए है, जिसमें लेंस कार्ड्स का ये लोगो लगा हुआ है। और ये है स्पेक्स। तो पावर ग्लासेस है ये, जो मेरा नंबर था मैंने पावर अपडेट करी थी लेंस कार्ड की साइट में। तो यह है मीडियम साइज़ है और इस तरह का दिख रहा है ये। तो डाल के देखते हैं इसको। तो गाइस, इसको परचेज़ करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों परचेज़ करी मैंने। देखिए, इससे पहले जो मैं स्पेक्स पहनता था, ये वाली स्पेक्स है ये, तो ये मैंने लोकल डीलर से परचेज़ करी थी। तो इसमें क्या दिक्कत आई है कि कोई 1.5 साल हो गया इसको परचेज़ करे हुए,
जो इसके लेंसेज है इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे, जो जिसकी वजह से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो तभी मैंने परचेज़ करा ये। और ये मैंने लोकल वेंडर जो मार्केट में स्पैक्स वगैरह बनवाते हैं उन्हीं से मैंने बनवाया था ये। तो वहाँ से परचेज़ करने के बाद दिया हुआ कि साल डेढ़ साल बाद, तो इसमें क्या स्क्रैचेस आ गए हैं, जिसके कारण मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जिसके कारण जैसे मान लीजिए ये स्पैक्स है, तो यहाँ के बीच बीच में साफ़ नहीं दिखाई देता था मुझे। अगर यहाँ से देखूँगा तो साफ़ दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ स्क्रैचेस थे वहाँ वहाँ धब्बा आता था, तो आँखों में जलन वगैरह लगती थी। और जो ब्लू कट लेंसेज लिए मैंने, वो मेरा रीज़न ये है कि मैं ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठता हूँ, तो उसके लिए वो ब्लू रे लेंसेज काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो वो मैंने परचेज़ करे हैं। तो मेन कारण इसको रिप्लेस करने का वही है कि इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं। ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट जब मैं इसको पहनूंगा तो ये जो बीच बीच में है ना, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे साफ़ नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसको मैंने रिप्लेस करने के लिए मैंने लेंस कार्ड से ये ऑर्डर करा है।